बुखारी की हदीस, मुस्लिम की हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना चार रकतों वाली नमाज पढ़ाई तो दो रकतों पे सलाम फेर दिया। सहाबा खामोश हैं सारे, चुप, हम नहीं बोलते। एक सहाबी थे, उनका नाम था हजरत ज़ुल्यदैन रदी अल्लाह तआला। उनके हाथ ज़रा लंबे थे, तो एक दिन हुजूर ने फरमाया, या ज़ुल्यदैन, ओ लंबे हाथों वाले, कोई पूछता आपका नाम क्या है, तो कहते नाम वही है जो नबी पाक ने रख दिया। दो हाथों वाले नाम पड़ गया, बाकी सारे लोग खामोश बैठे हैं, कोई नहीं बोला। ये जरा सादे आदमी थे, बोले लेकिन बड़े अदब अदाब का ख्याल रख के बोले। उठे, बात सारी अल्लाह करीम पे डाल दी। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने नमाज छोटी कर दी है या अल्लाह ने आपको बुला दिया है? अल्लाह ने नमाज छोटी कर दी है या आपको बुला दिया है? तो हुजूर फरमाने लगे, क्या हो गया है? हुजूर, मुझे लगता है आपने दो रकतें पढ़ाई हैं। नबी पाक ने फरमाया, क्यों भी अबू बकर, कितनी पढ़ाई हैं? अर्ज की, हुजूर मुझे कोई नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं तो पढ़ने आया हूँ, रकतें कितनी थोड़ी हैं, जितनी पढ़ाओगे चुप करके पढ़ लेंगे। अब किसी बाबे की बात कर लूं, बगैर हदीस के करी जाए तो लोग परेशान होते हैं ना। हदीस पढ़ लिया, अब किसी बाबा जी की बात कर ले। एक बाबा जी बोले, वो दूर कोट मिठन से, कहने लगे, नमाज पढ़ा के मैं तैं वल वेखा, नमाज पढ़ा के मैं तैं वल वेखा, मैनु काबा भुल गया, आई भुल गई नी सब सौम सलाता, इको यार दा फिकर पे आई। नमाज पढ़ा के मैं तैं वल वेख, कितनी पढ़िया हुजूर, मुझे क्या पता हो, मुझे क्या पता हुजूर। फरमाया, ये कहता दो पढ़िया हुजूर, लगता है कोई मसला है पर पता कोई नहीं, आपको ही पता है। हुजूर ने फरमाया, उमर तू बता कितनी पढ़ी। अर्ज की, हुजूर मुझे नहीं पता। ना ना ना, हमारा मिजाज ही नहीं, इतनी तवज्जो कौन रखे, हम तो सीधी सीधी। देखे ना, इकबाल भी बड़ा शानदार है, हर जगह ही घुस जाता है, क्या करें, बगैर इकबाल के भी गुजरा नहीं जाता। इकबाल भी बोल पड़े, कहने लगे, अजां तवज्जुल से तेरे इश्क का तराना बनी, अजां तवज्जुल से तेरे इश्क का तराना बनी, और नमाज तो उसके नजारे का एक बहाना बनी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर तुम्हारा क्या ख्याल है, हुजूर को नहीं पता। उस्मान तुम, अर्ज की, हुजूर मुझे क्या पता। हमारे तो अल्लाह ताला खैर करे, शगीर्द हमें बड़े मशवरे दे लेते हैं, मुरीद आजकल बड़े सियाने मिलते हैं, वो पीरों को कई दफ़ा बड़ी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरियाँ सुना जाते हैं। हुज्जतुल विदा का खुतबा था, खुतबा हुज्जतुल विदा नबी पाक दे रहे थे। 9 ज़िलहज को होता है खुतबा, जुमे का दिन था, ज़िलहज का महीना था, कुर्बान जाऊँ सहाबा की गुलामी। हुजूर ने पूछा, आज तारीख क्या है? अर्ज की, हुजूर नहीं पता। फरमाया, दिन क्या है? हुजूर नहीं पता। फरमाया, जगह कौन सी? अर्ज की, हुजूर नहीं पता। नमाज पढ़ा के मैं तैं वल वेखा। इमाम ज़ुरकानी कहते हैं, किसी ने पूछा हजरत अंस बिन मालिक को, तुम्हें नहीं पता था? फरमाया, पता था। कब बताया क्यों नहीं? फरमाया, हमें क्या जरूरत है बताने की, महीना ज़िलहज का था, अगर हुजूर कह देते मुहर्रम है तो हमने मुहर्रम ही कर लेना था, हमें क्या मुसीबत पड़ी है दलीलें बयान करने की। जो महबूब कह दे, जो महबूब, खत्म हो गई बात, कितनी क्या मुसीबत बनी है दलीलें, जैसे कह दें जैसे कर दें। वो तो बड़े बेवकूफ लोग हैं जो दलीलें देते हैं और कहानियां सुनाते हैं, हमें क्या जरूरत है, जैसे वो कह दे जिस तरह वो कर दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक सहाबी से पूछा कि हुजूर पक्का नहीं पता? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें पक्का पता, आपको ही पता है, आपके इल्म में ही है कितनी रकातें पढ़ाई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बार बार पूछा, का हुजूर लग रहा है पर सही पता आपको यह कितनी रकातें पढ़ी हैं। आला हजरत हदीस लिखते हैं तो फरमाते हैं, भाई ये सारा कुछ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है सारा कुछ। जब बात तय हो गई तो नबी पाक ने फरमाया, भाई दो ही पढ़ी हैं, मुझे यही लगता है, इस तरह करो, उठो दो रखते और पढ़े। इमाम अगर भूल जाए ना नमाज में, वो बातचीत कर ले, बात लंबी हो जाए, तो नमाज शुरू से पढ़नी पड़ती, और अगर कोई उसे बता दे तो फिर भी सजदा साफ करना पड़ता है। लेकिन हजरत ज़ुल्यदैन कहते हैं, नबी करीम उठे, दो रखते मुकम्मल पढ़ाई, सजदा साफ भी कोई नहीं किया। फरमाया, मांगो दुआ हो गई है नमाज, कोई सजदा साफ नहीं।